सोनीपत जिला क्राइम का हब बनता जा रहा है। सोनीपत के जीवन नगर में बैंक से लौटकर फास्ट फूड की दुकान पर बैठे एक युवक पर 3 बाइक सवार युवकों के द्वारा फायरिंग की गई। आपको बता दें कि अभिषेक बैंक में गया हुआ था और उसके बाद वह जीवन नगर में एक फास्ट फूड की दुकान के बाहर बैठा हुआ था। वहीं इस दौरान बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने उसके पांव में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। नाम आपका? अभिषेक पाल सर। अच्छा, क्या काम करते हैं? सर अभी तो कुछ नहीं कर रहे, फिलहाल ड्राइविंग सीखने वाले हैं सर, पापा ने बोल रखा है। अच्छा, कैसे, क्या हुआ है, कहाँ के रहने वाले हो? हम सर यहीं जीवन नगर गए हैं। कैसे, क्या करोगे? सर हम मतलब बैंक गए थे, बैंक से आए, वो तो हमारे वहाँ ड्रोन स्कूल है जीवन नगर में, वहाँ पे मतलब फास्ट फूड की दुकान है, वहाँ पे बैठे हुए थे कोने पे, वो 3 बाड़ा का है, उन्होंने सर गोली मार के बाइक से सर दूसरी लोड कर रहे थे मारने के लिए, सर वो चले गए सर, वो मार के सीधा चले गए। किसी के साथ कोई रंजिश? हाँ जी सर। कौन कौन थे, जानते हो उनको? हाँ जी सर, जानता हूँ। एक का नाम ध्रुव है सर, दूसरे का नाम विशाल चोपड़ा है और तीसरे का नाम सर रोहित है। किस चीज़ पे आए थे? सर बाइक पे था, आए थे सर। अच्छा, प्लीज बाइक ले रखा था। न्यू जीवन नगर का मामला है, अभी हॉस्पिटल आए थे और अभिषेक नाम का लड़का है, उसके पैर में एक गोली लगी है और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ध्रुव है, उसने इसको, वो उसके साथ 2 साथी और आए थे बाइक पे और इसको गोली मारी पैर में। अभी रंजिश तो अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी आए हैं तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कहाँ गोली मारी है? पैर में लगी हुई है। हाँ जी, क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी FIR दर्ज करेंगे, बयान लिखेंगे इसके और फिर टीमें बना के भेज देंगे, उनको पकड़ लेंगे जल्दी।